हेलो गाइस, मिसाई फूडी में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सिटी पैलेस जयपुर के अंदर, तो आपको पूरा व्यू दिखाने वाले हैं सिटी पैलेस का, कि कितना सुंदर है और कितना मजा आएगा आपको इसको देखने में। चलिए हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सागर गोला और आप सभी का मुसाफिर फूडी में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हमारे वीडियो में सिटी पैलेस के बारे में। दोस्तों, सिटी पैलेस जयपुर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। सिटी पैलेस एक लोकप्रिय विरासत है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इस शानदार महल का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह माधो ने करवाया था, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। इस खूबसूरत परिसर में कई इमारतें, विशाल आंगन और आकर्षक बाग है जो इसके राजसी इतिहास की निशानी है। इस परिसर में चंद्र महल और मुबारक महल जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। इस महल के छोटे से भाग को संग्रहालय और आर्ट गैलरी में तब्दील किया गया है। महल की खूबसूरती को देखने के लिए सैलानी दुनिया भर से हजारों की संख्या में सिटी पैलेस में आते हैं। हाय गाइस, मैं आ गया सिटी पैलेस के अंदर, जो कि आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल व्यू है। और मैंने आपको उसके अंदर एक गुप्त जगह है जहाँ पर फोटो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट किसी ने मुझे वीडियो ला के दी है, तो मैं आपको उसके अंदर की चीज़ें दिखाऊंगा जो कि महाराजा लोग पहनते थे। और बहुत सारे इनके कहते हैं ना चीज़ें हैं, बहुत सारी जो वो यूज़ करा करते थे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें पूरा एरिया कवर करना है, तो जो आप मेरी वीडियो में देखते भी रहोगे, तो हम कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ बने रहिए, मुसाफिर फूडी के साथ अपडेट करता रहूँगा मैं आपको। चलिए अब बात करते हैं सिटी पैलेस जयपुर के इतिहास के बारे में। सिटी पैलेस में कछवाहा राजपूत वंश के जयपुर के महाराज का सिंहासन है। आमेर पर सन 1699 से 1744 तक राज करने वाले महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस महल परिसर के निर्माण की शुरुआत करवाई थी। ये परिसर कई एकड़ों में फैला हुआ है। उन्होंने पहले इस परिसर के बाहरी दीवार के निर्माण का आदेश दिया था। इसका निर्माण सन 1729 में शुरू हुआ और इसे पूरा करने में पूरे 3 साल लगे। ये महल पूरी तरह से बनकर सन 1732 में तैयार हुआ। सिटी पैलेस की भवन शैली राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैलियों का अतुल्य मिश्रण है। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से निर्मित इन इमारतों में पत्थर पर की गई बारीक कटाई और दीवारों पर की गई चित्रकारी मन मोह लेती है। कछवाहा शासकों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए महाराज जय सिंह द्वितीय पूरी तरह नियोजित, सुरक्षित, सुंदर और समृद्ध शहर बनाना चाहते थे। जयपुर शहर 18वीं सदी में बना पहला महल नियोजित शहर था। इसके साथ ही इसका वैभव बेहतरीन और हैरान कर देने वाला था। अब आपको बताते हैं जयपुर के सिटी पैलेस के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सिटी पैलेस जयपुर, हवा महल और जंतर मंतर जयपुर के पुराने शहर में 3 मुख्य आकर्षण हैं। सिटी पैलेस को 2 वास्तुकारों विद्याधर भट्टाचार्य और सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने डिजाइन किया था। सिटी पैलेस राजपूत, मुगल और यूरोपियन स्टाइल की वास्तुकला का एक संयोजन है। सिटी पैलेस जयपुर के एक हिस्से में संग्रहालय, जबकि दूसरे हिस्से में जयपुर के पूर्व शासकों के वंशजों का निवास स्थान था। सिटी पैलेस में त्रिपोलिया गेट को छोड़कर, जो कि शाही परिवार के लिए आरक्षित है, उसको छोड़कर किसी भी प्रवेश द्वार के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। सिटी पैलेस का सबसे प्रभावशाली हिस्सा तीसरे आंगन में 4 छोटे द्वार हैं, जो वर्ष के 4 मौसमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिटी पैलेस में सबसे दिलचस्प वस्तुओं में से एक 2 स्टर्लिंग चांदी के जार हैं, जो आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं और दुनिया के सबसे बड़े शुद्ध चांदी के जारों में से एक है। इस पैलेस में सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा पहना गया कपड़ों का सेट रखा गया है, जो कि करीब 1.2 मीटर चौड़ा था। और इसका वजन जानकर आप हैरान हो जाएंगे, इसका वजन 250 किलोग्राम था। चलिए अब आपको बताते हैं जयपुर के सिटी पैलेस घूमने जाने का सबसे अच्छा समय। दोस्तों, जयपुर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच होता है। इसका कारण यह है कि ये महीना अपेक्षाकृत ठंडा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिटी पैलेस काफी बड़ा है और इसके कई खंड हैं जो पूरी तरह से खुले हैं, और इसलिए बहुत धूप निकलने से पहले इस जगह को घूमना अच्छा होता है। राजस्थान का हिस्सा होने के कारण जयपुर में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए गर्मी के दिनों में सिटी पैलेस घूमने में पर्यटकों को काफी कठिनाई होती है। यही कारण है कि अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। अगर आप सिटी पैलेस के सिर्फ अंदर के हिस्सों को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ साल में किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यदि आप सिटी पैलेस का पूरा परिसर घूमना चाहते हैं, तो सर्दी का मौसम सबसे सर्वोत्तम होगा। अब जब इतनी दूर से जाएंगे तो पूरा ही घूमेंगे ना। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
आप मुझे बताइए वीडियो में सबसे अच्छा आपको सिटी पैलेस के बारे में क्या लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। संग में वीडियो को शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।